जिले में एक बार फिर जमीनी मुद्दा गरमाया हुआ है। सरकारी जमीन पर पूर्व राजस्व मंत्री अंबिका चौधरी के परिवार द्वारा कराया जा रहे निर्माण को रुकवाया गया। पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने एसडीएम सदर के चैम्बर में सारे चकबंदी और राजस्व टीम को बुलाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा और कहा कि पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी और उनके परिवार का नाम भूमाफिया में दर्ज है, जल्द ही फेफना तिराहे पर पशु चिकित्सालय का जमीन खाली होगा। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। सिल में बहुत संख्या के साथ आया एसडीएम। अरे भाई शास्त्री, हम लोगों की है, कैसा प्रदर्शन आपने किया? सिल के मेंबर हैं, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते कोई प्रदर्शन नहीं था। फेफना और कपूरी के लोग आए थे, फेफना ग्राम सभा में बाजार के बीच में भीटा की जमीन पर कुछ लोग होटल बना रहे थे, तो वहाँ के ग्रामीण आए, हमारे यहाँ कपूरी के ग्रामीण आए, वहाँ पर ग्राम सभा की जमीन कब्जा हो रही थी कि इसको बेदखल किया जाए। इसकी सूचना वहाँ के लोगों ने 10-15 दिन पहले भी दे दिया था। हमने एसडीएम साहब को बोल के रुकवाया था, फिर उन लोगों ने एसडीएम साहब के ऊपर दबाव बनाया, उन्होंने रिकॉर्ड निकाला तो पता चला कि रिकॉर्ड के अंदर 1290 फसली, 1345 फसली और 1356 फसली में आज भी वह जमीन, चाहे वो फेफना का हो चाहे कपूरी का हो, भीटा के नाम से अंकित है। आज उस पर कुछ लोगों ने नाम गलत तरीके से इंद्राज कर लिया है, जो हमारे जैसे प्रभावशाली लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में राजस्व मंत्री जैसे पद पर रहे हैं, आज उन जमीनों को उनका नाम और उनके परिवार के लोगों का नाम चढ़ा हुआ है, उसी पे कब्जा हो रहा था। उस बात को लेके कल फेफना के लोगों ने बताया तो हमने यहाँ के तहसीलदार से लेके एसडीएम सीआरओ साहब तक, अंत में शाम 5-6 बजे डीएम साहब से भी बात की। कल 30-35 की संख्या और 50 की संख्या में मिस्त्री मजदूर लगा के काम हो रहा था। आज सुबह भी वहाँ के लोग आ गए कि अभी तक काम नहीं रुका, तो मैं भी क्षुब्ध हुआ और उसको लेकर के मैं एसडीएम साहब के यहाँ गया। संयोग से एसडीएम साहब मिले, उन्होंने फ़ोन किया तो जाके काम रुका। कई बार उस जमीन पर अधिकारियों की टीम पैमाइश कर चुके हैं, चाहे वो पिकेट के पास की जमीन हो चाहे अन्य जमीन। नहीं, आज जहाँ पे काम रुका है उस जमीन पे अभी कोई अधिकारी नहीं दौड़ा किया हुआ था। यह जमीन हमारे भी संज्ञान में नहीं थी। इस जमीन पे फेफना के लोग जानते थे। जो जमीन आप बता रहे हैं वो फेफना थाना जहाँ पे चलता था, जहाँ पे पशु चिकित्सालय की जमीन है, वो जमीन है। इस जमीन की जो बात है वो फेफना में जो एक बहुत बड़ा पौराणिक स्थल है, जो मेन मार्केट है, 5-6 एकड़ का ये तालाब है जहाँ पे आज हमारी माताएं बहनें छठ करती हैं, छठ पूजा, और उसी पोखरा तालाब की जमीन पे भीटा बना हुआ। एक तरफ माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि जहाँ पे जल संचय न हो वहाँ पे अमृत सरोवर के जरिए हम तालाब बनाए, और दूसरी तरफ हमारे जैसे लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उसमें राजस्व मंत्री रहे, तो कपूरी के रहने वाले हैं और फेफना के भीटे की जमीन पे गलत तरीके से अपना नाम इंद्राज करा लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए, और उसी पे जब होटल बनाने के लिए गए तो वहाँ के लोग, क्योंकि उनके मैं जनप्रतिनिधि हूँ, रहा हूँ, उनकी सूचना आती है कहीं पर जुर्म साले की जमीन जो कब्जा है उसको, तो पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय के बाद कोई रिलीफ नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने भी बेदखली का आदेश किया। जब आदित्य हाई कोर्ट से आदेश है, पूर्व मंत्री जी के दो दो भाई अलग अलग रिट फाइल किए हाई कोर्ट में, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिली। अंततः गत्वा वो पत्रावली डीएम के पास पहुंची हुई थी, चुनाव आ गया, चुनाव लड़ने में हम लोग वो थे व्यस्त थे। अब नए डीएम आ गए, अभी वर्तमान डीएम के संज्ञान में मामला नहीं डाला हूँ, लेकिन आज तत्कालीन एसडीएम के संज्ञान में इस मामले को हमने डाला है, और जो आपकी मंशा है हमें पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से जो भी माफिया हो, चाहे उस कड़ी में उपेंद्र तिवारी क्यों ना हो, हमारे जैसे अन्य मंत्री भी क्यों ना हो, अगर जब जो भी जमीन कब्जा किया रहेगा वो माफिया होगा, बड़े से बड़े माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। जा करके 1290 और 1356 फसली, 1356 फसली और 1290 फसली और 1345 पुराने रिकॉर्ड में किया गया, तो इस जमीन पे ऑलरेडी भीटा और पोखरा के नाम से जमीन थी, जिस आधार पे एसडीएम साहब ने तत्काल रिकॉर्ड को निकलवाया, मैंने सीआरओ साहब को भी बोला और उस पे काम रुक गया था। अचानक
कल 50-60 मजदूरों को लगा करके काम वहाँ सुबह 6 बजे से प्रारंभ हुआ। हम SDM साहब से बात किए, तहसीलदार साहब से बात किए, CRO साहब से बात किए। दिन भर रिकॉर्ड निकलवाने के बाद SDM साहब ने उधर से पक्ष आया कि जब इस पर हमारा नाम चढ़ा हुआ है तो आप किस अधिकार के तहत रोक सकते हैं। फिर इन्होंने उस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे जो 1290, 1356 और 1345 फसलें में जो रिकॉर्ड था उसके आधार पर हमने पत्र बना करके इंस्पेक्टर फेमना के यहाँ भेजा। फिर भी आज सुबह काम 6 बजे से लग गया तो मुझे मजबूर होकर के SDM साहब के पास आना पड़ा। 10:30 बजे हमारे इंस्पेक्टर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कल से लेकर अभी तक मेरे पास कोई भी राजस्व विभाग का व्यक्ति नहीं आया है और जब तक राजस्व विभाग का व्यक्ति नहीं आएगा तब तक हम काम कैसे रोक पाए। तब मैं SDM साहब के आया, जब SDM साहब ने पता चला तो इनका एक प्रतिनिधि लेखपाल मौके पे गया था और तब जाकर के काम 11:30-11:12 बजे काम रुका। जब आपने पूछा तो ये बस स्थिति है, आप भी जाकर के मौके से देख सकते हैं। SDM साहब डॉक्यूमेंट्स निकालने के बाद संतुष्ट है कि वह जमीन और तालाब में है और वही अंतिम नहीं है, इसके अलावा ग्राम सभा कपूरी में भी बेटा पोखरा और तालाब की जमीन पे भी उनका उनके उनके परिवार के लोगों का नाम इंद्राज है। बलिया के भूमाफिया घोषित हुए उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अंबिका चौधरी, उनके भाई रमेश, उनके भाई दिनेश, उनके परिवार के लोग राम अवध डाट खदान बहुत बड़ा, इन सभी लोगों के नाम पे कहीं कहीं अलग तरीके से दर्ज है।